मेरे ऊपर विजेंद्र भड़ाना इंस्पेक्टर लोनी के हो रहे उत्पीड़न, जो कि वर्दी के भेष में साक्षात रैपिस्ट है, मेरी रक्षा की जाए। राजकुमार पांडे, पूर्व क्षेत्राधिकारी लोनी, विजेंद्र भड़ाना जैसे वर्दीधारी माफियाओं से प्लीज मेरी मदद की जाए। इसने जीडी में एंट्री करके मुझे भी जेल भेजवाने की धमकी दी और मैंने मौखिक में दूरभाष पर एसएसपी और एसपीआरए गाजियाबाद को अपनी शिकायत की। अब तक कोई कंसीडर नहीं हुआ, मैं एप्लीकेशन भी दूंगा, प्लीज मेरी मदद की जाए। एसएसपी सर से वार्ता करने की कोशिश की गई, मैंने परसों एसएसपी सर से कई फ़ोन लगाए, मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरा फ़ोन काट दिया गया, मेरी कोई भी बात नहीं सुनी गई और मेरी हर बात को अनसुनी की गई। प्लीज़ मेरी मदद की जाए, प्लीज़। मैं माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, माननीय प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन से अपील करता हूं कि इस वर्दीधारी माफिया से प्लीज मुझे बचाया जाए, मेरी रक्षा की जाए। मैं यहां कोविड पॉजिटिव होकर गाजियाबाद जिले में एडमिट था, फिर इसने मुझे जेल भेजवाने की जीडी में एंट्री करके भेजी। चूंकि मैं इस बात को कई बार अधिकारियों से दूरभाष पर उठा चुका था, इस मुद्दे को बार बार कह चुका था, इसलिए मेरा डीओ लिखा गया, मुझे यहां से भेजवाया गया बाहर। प्लीज़ मेरी मदद की जाए। मैं पूर्व क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे, सीओ लानी गाजियाबाद, मैं यहाँ सीएए के आंदोलन से लेके जब मेरा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत चला, 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी। मैंने पूरे 2 दिन तक लग के पूरे दिन भर भीड़ को नियंत्रित किया, भीड़ में घुस के अपने जान की भी परवाह न करी। फरवरी लास्ट में हुई दिल्ली दंगों में 15 दिन कैंप किया बॉर्डर पर, सब्जी मंडी में जहां के पर आग भी लगी, हम लोगों ने छत पर कूद के उसको भी बुझाई और इवन दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव सर ने वेल्डन फॉर एसडीएम एंड सीओ लोनी कहा। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार लोनी के पास भर के दंगे से प्रदेश की रक्षा की 8-8, 10-10 दिन जग के। इसके बावजूद भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेरी एक बात न सुनी गई। मुझे अपने प्राणों की रक्षा का बहुत ज़्यादा खतरा है, मुझे इंस्पेक्टर विजेंद्र भड़ाना से बचाया जाए, मेरे प्राणों की रक्षा की जाए। इवन कल मैंने दूरभाष पर एसएसपी सर को 4 बार फोन लगाया, मेरी आधी भी बात न सुनी गई, मेरा फ़ोन काट दिया गया, मुझे इग्नोर किया गया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं डीजी उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव गृह, सीएम उत्तर प्रदेश शासन से अपील कर रहा हूँ कि मेरी पीड़ा को सुना जाए, मेरी मनोदशा को समझा जाए और मेरे ऊपर विजेंद्र भड़ाना इंस्पेक्टर लोनी के हो रहे उत्पीड़न, जो कि वर्दी के भेष में साक्षात रैपिस्ट है, मेरी रक्षा की जाए। जय हिंद।